नमस्कार, विराट 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति। महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें पुरुषों के बराबर का अधिकार और विकास में भागीदार बनाए जाने की योजना चल रही है। 50% आरक्षण देकर विकास में महिलाओं की भागीदारी सशक्त करने के उद्देश्य से राजनैतिक पार्टियां प्रत्याशी घोषित की, लेकिन आज भी पुरुष प्रधान देश में इन महिलाओं को कितनी समानता का अधिकार मिल रहा है, यह कई बार देखने को मिल चुका है। हद तो तब हो जाती है जब जिला प्रशासन भी दोहरा कानून, दोहरा मापदंड अपनाता है। एक तरफ रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी महिला जनप्रतिनिधि की जगह उसका पति किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगा, तो दूसरी तरफ जनपद अध्यक्ष को खुली छूट है, जो महिला जनप्रतिनिधियों की जगह पहुंचकर शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं। दरअसल पूरे जिले में आरक्षण के चलते कई ऐसी महिला जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें कामकाज की नाम मात्र जानकारी नहीं है। सिर्फ नाम का मोहरा बनाकर पतियों के द्वारा चुनाव जीता गया और अब महिला अपने घरेलू कामकाज में व्यस्त हैं, तो वहीं पति बेटे राजनीति कर रहे हैं। कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं जिनके ऊपर कार्यवाही भी हुई है और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की सभा में सरपंच, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों के पति किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ताजा मामला रीवा जनपद पंचायत का है, जहां जनपद अध्यक्ष संगीता यादव की जगह उनके पति राजेश यादव जनपद पंचायत सभागार में बैठक लेकर शासकीय कर्मचारियों को खुला निर्देश दे रहे हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? जिनका संरक्षण विधायक, सांसद, मंत्रियों का है, उनके लिए सभी नियम कानून एक तरफ और जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ दूसरा कानून। दरअसल रीवा जनपद पंचायत में शुक्रवार को जनपद अध्यक्ष के द्वारा रोजगार सहायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता यादव ने एक शब्द नहीं कहा, आकर नाम मात्र को कुर्सी पर बैठी रही, जबकि उनके पति राजेश यादव ने सचिव, रोजगार सहायकों को जमकर लताड़ लगाते हुए निर्देश देते रहे। वहीं दूसरा मामला हनुमना और नईगढ़ी जनपद पंचायतों का है, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष पति मुद्रिका पटेल और ममता कुंज बिहारी तिवारी अधिकारियों को निर्देश और निरीक्षण कर रहे हैं। हनुमना जनपद पंचायत अध्यक्ष पति मुद्रिका पटेल ने सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट किया और लिखा कि उनके द्वारा जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यह कैसा महिला सशक्तिकरण है और कैसे जिले में कानून चल रहा है? एक ही जिले में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून किस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं, कौन से संविधान का पालन किया जा रहा है, यह तो जिले के अधिकारी ही जाने। लेकिन जहां शासन प्रशासन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, वहीं महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के वोट लेने में सफल हो जाता है, लेकिन उन्हें अधिकार कितना मिल पा रहा है, यह देखने वाली बात है। अभी नईगढ़ी देव तालाब के मामले शांत भी नहीं हुए हैं। वहीं खुलेआम कलेक्टर के निर्देशों की अध्यक्ष पतियों के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद अध्यक्ष पतियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। अपने आसपास की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।